हेलो एवरीवन, हियर इज कविता। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो आजियो के ऊपर डेडिकेट है, क्योंकि आजियो से भी मैंने भी शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और एक्चुअल में बोलूँ गाइस, तो आजियो का जो मतलब आजियो से जो मुझे कपड़े रिसीव होते हैं ना, वो चाहे कपड़े हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे पर्स हो, वट एवर, उनका क्वालिटी एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है। मतलब वो टच करने के बाद फील होता है कि हाँ ठीक है, जो पैसे मैंने पे किए हैं वो चीज़ मुझे वैसी ही रिसीव हुई है। मोस्टली चीज़ों की क्वालिटी ऐसे ही है। तो बिना किसी गाइस टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, मैंने पर्स ऑर्डर किया है, ये एक स्लिंग बैग के जैसे आपको दिख रहा होगा, और अभी बिल्कुल ऑफ चल रहा था तो मैंने इसीलिए इसको ऑर्डर कर लिया था। तो गाइस, जो इसका एक्चुअल MRP है वो है 4,595 रुपीज़, बट ये मुझे कुछ 1,600-900 के अकॉर्डिंग रिसीव हुआ है। एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, ये वो पर्स है, और इसका ओपन का स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसको ऐसे आप ट्विस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा पर्स, और अंदर से बहुत अच्छा इसमें स्पेस है, और ये कौन से ब्रांड का, मैं सब यहाँ आपको टैग कर दूंगी, दिखा भी दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो इसको बाय करने के लिए। तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं ना कोई अच्छे पर्स पे पैसा बाय करना, तो इस पे ज़रूर ज़रूर जाएगा। ये एक्चुअल में गाइज बहुत अच्छा पर्स है, मतलब मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया इसका क्वालिटी, इसका लुक, सब कुछ। ये गाइज बेल्ट दे रखी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे बेल्ट है पूरा ये, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। वो है गाइज ये व्हाइट शर्ट सबका। गाइज मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, मुझे इमेज पे कैसा दिख रहा था, क्या प्राइस था, और जो भी मेंशन हो पाएगा मैं सब कुछ, और मेरा ट्रायल ऑन का भी मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प रहे। सो गाइज, ये शर्ट है, नॉर्मल शर्ट है, फुल स्लीव्स है इसकी। फैब्रिक गाइज इसका मैं अगर आपको बताऊँ तो ये कुछ कॉटन और जो सिल्क होता है उसमें मिक्स फैब्रिक है, मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं पता है, बट जो मेंशन कर रखा होगा वो मैं स्क्रीन पे लगा दिया, तो आप लोग उसका फैब्रिक का देख सकते हैं कि इन लोगों ने इसे कौन सा फैब्रिक बोला है, मतलब कौन सा है, बोला नहीं है कौन सा है। नॉर्मल गाइस कॉलर है ये, और ये टैग है, और इसकी MRP भी गाइस ज़्यादा थी, 179 रुपीज़ इसका था। मतलब अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो 1800 का ये शर्ट था, बट आई थिंक मुझे ये डिस्काउंट में कुछ पड़ा है, तो ये आई थिंक मुझे 400 या 500 के बीच में पड़ा है। इससे ज़्यादा तो मैं पे नहीं करने वाली हूँ, आई एम डैम श्योर। तो एक्चुअल जो प्राइस होगा यहाँ स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। फैब्रिक बहुत अच्छा है गाइस, उसमें जो बटन लगा रखे हैं इन लोगों ने वो बहुत सिंपल और डिसेंट बटन है, जिसकी वजह से ये शर्ट मुझे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिंपल सोवर टाइप का शर्ट है, सेम गाइस जैसे मैंने एक ब्लैक कलर का शर्ट मंगाया है, मुझे शर्ट बहुत अच्छा चाहिए था इस वक्त, मतलब शर्ट मुझे अच्छा लगता है जीन्स के ऊपर हल्का सा। मैंने कैसे स्टाइल किया ये शर्ट को मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, वो उस तरीके से गाइज अगर आप शर्ट वेयर करते हो ना, शर्ट एक अलग ही लुक से आता है। ये वापस से गाइज ब्लैक कलर का शर्ट है, सेम फुल स्लीव्स है, बस यहाँ पे एक बटन दे रखे हैं जिसमें आप इसको हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हो। आजकल होता है ना, यहाँ पे स्लीव लगा के बटन लगा देते हैं, तो उस टाइप का है। बैक इज प्लेन फैब्रिक गाइज, इसका कॉटन का फैब्रिक है। बटन मैं आपको दिखा देती हूँ गाइज, बिल्कुल प्लेन बटन दे रखे हैं इन लोगों ने, कुछ डिजाइनर बटन नहीं है इसके अंदर। ये बेसिक सी पूरी व्हाइट शर्ट है, बहुत ब्यूटीफुल शर्ट है। ट्रायल ऑन का वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अभी गाइज बात कर लेते हैं, एक मोस्ट रिक्वायर्ड वीडियो थी, मतलब ये प्रोडक्ट था, मुझे काफ़ी बोला गया कि दीदी ये प्रोडक्ट का प्लीज़ आप हमारे लिए वीडियो बना दो। आई थिंक किसी कोई पुष्पा नाम की मेरी सब्सक्राइबर हैं, नई नई सब्सक्राइबर हैं, तो उनका भी उन्होंने मुझे जो बोला वो मुझे करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने मुझे एक कोड दिया था मेरे Insta ID पे आके ये प्रोडक्ट का, तो उन्होंने कहा था दीदी हमें ना इसका वीडियो चाहिए, उनकी शायद किसी सिस्टर की शादी है नवंबर में, तो उसके लिए और उनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी ये मैं काफ़ी टाइम से इसको देख रही हूँ, स्टॉक कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये कैसा है, तो प्लीज़ आप इसकी वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली गाइज वो प्रोडक्ट भी मेरे पास आ गया, थोड़ा सा लेट आया ये और प्रोडक्ट से, बट आ गया है। इसको आने में कुछ 6 6 डेज लगे हैं। तो गाइज ये वो ब्लाउज है, ऊपर डिज़ाइनर ब्लाउज है, इसका जो शान है वो ब्लाउज से ही है, ब्लाउज है। यहाँ पर गाइज कैन कैन लगा रखा है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक से इसको पूरा सेटल किया है, लुक कैसा आएगा वो मैं यहाँ पे पहन के आपको दिखाई रही हूँ। पीछे भी गाइज इसमें हुक दे रखा है,
ये गाइस पैडेड पैडेड ब्लाउज है, तो इसपे आपको ब्रा भी पहनने का जरूरत नहीं है, तो आपको पीछे डीप नेक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि क्या करना है। और आर्ट सिल्क में फैब्रिक है, ये सीक्वेंस का गाइस इसमें काम हो रखा है। मैं आपको एक बार क्लोजली भी दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। पिक्चर्स में ब्लाउज जैसा दिखाया गया था डिटो कॉपी वैसा ही है। इसमें एक प्रॉब्लम है गाइस, वो प्रॉब्लम है इसकी जो अंदर जो स्टिच किया है ना गाइस, ये जो इसका प्लास्टिक है, क्लोजली दिखाती हूँ, ये बहुत छुप रहा है अंदर। तो आपको क्या करना होगा ना गाइज, आपको एक प्लेन फैब्रिक लेना होगा और यहाँ से लेकर इसको पूरा कवर करके स्टिच करवाना होगा, तब आप इसको वेयर कर सकते हो, वरना ये आपकी स्किन को बहुत इरिटेट कर देगा, इवन आपकी स्किन को इससे हार्म भी होगा, तो बी केयरफुल ये लेने से पहले। बात कर लेगा इसकी साड़ी, मुझे गाइज ये पूरी 6 मीटर की प्लेन फैब्रिक दिया गया है, 6 मीटर का। तो अब इसे देख लेते गाइज, थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हूँ मैं ये साड़ी से, क्योंकि उन्होंने पूरा थान में से काट के मुझे कपड़ा पकड़ा दिया है, बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक बार हम इसको स्टिच कर ले, मतलब कि यहाँ से एक्टिव यू स्टिच कर देते तो ये जो दिख रहा है ऐसा नहीं दिखाई देता। और यहाँ से भी गए सेम, कोई स्टिचिंग नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो इन हो जाएगा इस साइड से, लेकिन ये तो आउटसाइड रहता है जो नीचे रहता है, तो अगर इधर हल्का सा कुछ लेस या कुछ लगा देते तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये भी 6 मीटर का फैब्रिक है, मेरे लिए ओके ओके, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ मैं इससे और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ, बट ठीक है, ओके ओके टाइप का है। और ये साड़ी थी। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर गाइज इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो सबका कोड मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ, आपको कोड जाके सर्च मार के उस चीज़ को बाय भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, कविता पांडे ऑफिशियल इज माई इंस्टाग्राम आईडी। फेसबुक की आईडी गाइज मेरी कविता पांडे है, आप मुझे प्लीज़ दोनों ही जगह फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं बहुत ही इंक्रेज होती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाऊं, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। न्यू न्यू मैं बना रही हूँ, काफ़ी लोग मेरा साथ भी नहीं दे रहे इस वीडियो में, और फिर भी मैं थोड़ा हार नहीं रही हूँ और बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक दो वीडियोस काफ़ी अच्छे से ट्रेंड पे चल रही हैं, बस उस बेसिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली मैं आगे जाऊंगी, तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।